हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे सो so फ्रेंड्स आज मैं बात करने जा रही हूं कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपको पता चला है आपने होम होम टेस्ट किया है प्रेगनेंसी टेस्ट लिया है और आपको पता चला है कि दैट यू आर पॉजिटिव यू आर प्रेग्नेंट तो फर्स्ट विजिट में डॉक्टर से क्या बातें करनी है और डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करना है सो लेडीज इफ यू आर प्रेगनेंट देन कॉन्ग्रेचुलेशन अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है जैसे ही आपको पता चलता है आपके होम प्रेगनेंसी टेस्ट में या फिर आपको सस्पेक्ट होता है कि आप प्रेगनेंट हैं तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से जाकर मिलिए डोंट वेट अब गायनाकोलॉजिस्ट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है सो फर्स्ट थिंग जब आप हॉस्पिटल रीच करेंगे तो आपको एक एंटी नेटल समरी मिलेगी या फिर एक आपकी एंटी नेटल समरी जो है वो ली जाएगी सो डॉक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं जैसे कि आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहाँ पे नर्सिंग काउंटर होता है सबसे पहले आपसे आपकी हाइट चेक करेंगे वेट चेक करेंगे एंड आपका बी चेक करेंगे देन फिर उसके बाद में जब आप डॉक्टर के पास में पहुँचते हैं तब आपका जो डॉक्टर है वो हाइट वेट जो आपकी रीडिंग्स आती है उसको देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली बाकी और फिर अगर आपका बी हाई है तो उसके रीजन्स पूछते हैं कि क्यों क्या हाई है अगर आपका वेटिंग ज़्यादा है देन दे आस्क यू कि बहुत ज़्यादा वेट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पुट अप नहीं करना है फॉलो द हेल्दी हेल्दी लाइफ स्टाइल डाइट फॉलो करनी है क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आपको डॉक्टर्स बताएंगे पर उससे पहले उससे पहले आपको डॉक्टर्स आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे मेडिकल हिस्ट्री में आपसे पूछेंगे क्या आपको शुगर है डायबिटीज़ है क्या आपकी फैमिली में किसी को शुगर है पेरेंट्स को शुगर है दोनों पार्ट्स पे हस्बैंड वाइफ से दोनों से क्वेश्चनिंग होती है कि दोनों पार्ट्स में किसी को शुगर तो नहीं है बीपी तो नहीं है जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है अगर आपकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसे रही कब रही उसकी सारी डिटेल्स मांगते हैं अगर आपका कोई मिसकैरेज हुआ है तो उसके क्या रीजंस हैं वो भी आपको सारी जो पुराने रिपोर्ट्स अगर आपके पास में होती हैं वो आपको डॉक्टर को शो करनी पड़ेगी अगर पहली प्रेगनेंसी है और उसमें ट्विंस हैं तो भी वो आपको बताना है कि मेरे पहली प्रेगनेंसी में ट्विंस हैं अगर आपको एपिलेप्सी एस्थमा हार्ट डिजीज़ ब्रीदिंग uh, की कोई डिजीज़ uh, है डिसऑर्डर है रेस्परेटरी इश्यूज़ हैं कुछ वो आपको सारा सब कुछ बन <coughs> वो आपको सारा सब कुछ बताना है कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो बताना है तो इसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर हैं वो आपकी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं कि आगे उसको कैसे लेकर जाना है कैसे वो करना है अगर हाई uh, रिस्क है तो वो भी uh, उसको एवेलेट करेंगे फैक्टर्स को फैक्टर्स uh, को कंसिडर करके एंड फिर उसके बाद में आपके टेस्ट वगैरह भी वो आपको रिकमेंड करते हैं देन फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में डॉक्टर पूछेंगे कि अगर आप स्मोक करते हैं देन यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग अगर आप बहुत सारी कॉफ़ी लेते हैं कैफीन लेते हैं देन आपको उसको कुछ टाइम तक के लिए तो बंद ही करना पड़ेगा स्पेशली मेरी डॉक्टर ने बोला था बिकॉज मैं बहुत कॉफ़ी लवर हूँ तो मेरी डॉक्टर ने मुझको बोला था कि स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नो no कॉफी उसके बाद में अगर मुझे लेनी है अगर बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है बहुत क्रेविंग हो रही है तो फिर मैं <coughs> बहुत टू हंड्रेड एम एल तक ही उसको ले सकती हूँ एल्स बेटर है मेरे लिए कि मैं उसको अवॉइड करूँ देन फिर उसके बाद में अगर आप ड्रिंक करते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी आपको ड्रिंक नहीं करना है और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है अच्छी डाइट रखनी है न्यूट्रिशियस डाइट रखनी है और वर्कआउट वर्कआउट इन द सेंस कि आपको वॉक करनी है वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है आपको नॉर्मल 40 45 मिनट्स की ब्रेस वॉक करनी है देन फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही निकल जाता है देन डॉक्टर विल आस्क यू फॉर द प्री नेटल योगा सेशन जो होते हैं वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा तो वो आपको गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी को देख के कि ठीक है आपको कब किस मंथ में या किस वीक में आपको प्री नेटल योगा स्टार्ट कर देने डॉक्टर से कोई आपको बात छुपानी नहीं है अगर आपके इ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो भी वो आपको बताना है कि ठीक है मेरी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज़ की है थर्टी डेज़ की है या फिर कम, कुछ किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है वो सारी डिस्कशंस आपको अपने डॉक्टर के साथ में करनी है अगर आप पी सी यू आपको थायरॉयड है ये सारी जानकारी जितनी भी है कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं सिंपल से सिंपल Uh, किसी कोई एक पेन किलर भी ले रहे हैं ना वो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है <coughs> मेरे केस में लाइक आई एम पी सी ओ एस तो मैंने डॉक्टर को बताया था कि लाइक आई एम पी सी ओ एस मेरे को इरेगुलर साइकिल थी तो वो भी मैंने अपनी हिस्ट्री डॉक्टर के साथ में शेयर की थी देन उसके बाद में मैंने डॉक्टर को बताया कि दैट कि मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहता है तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने उनको बताया बिकॉज़ प्रेगनेंसी इज़ फ़ुल ऑफ कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी बैली इंक्रीज होती जाएगी हॉर्मोनल चेंजेस होते जाते हैं बॉडी में तो वो स्टमक के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है और बहुत जल्दी आप कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको दवाइयाँ या फिर अगर मेडिकेशंस होती हैं वो देते हैं थैंकफुली मेरे को कोई वॉमिटिंग नोज़िया Uh, कोई चक्कर डिजीनेस इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था बट अगर आपको कुछ भी ऐसा फीलिंग हो रहा है कुछ नोजिया वामिटिंग मॉर्निंग सिकनेस इवनिंग uh, सिकनेस या फिर कोई डे सिकनेस हो रही है तो वो भी आप बताइए अगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उसके बाद में वो आपको कुछ मेडिकेशंस, आपकी जो गायनी है वो देते हैं मैंने जो डॉक्टर के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर की थी अपनी कि मेरी क्या ईटिंग हैबिट्स है मेरी क्या लाइफ है कितना सीडेंट्री लाइफ है कितना मैं वर्कआउट करती हूँ और uh, मेरी डिजीज़ uh, के बारे में बताया था जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को पी है मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं मैरनर uh, थैलसी में खूँ तो और मुझे अपने हस्बैंड का नहीं पता था तो उनका भी डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करवाया था फिर उसके बाद में कि क्या वो थैलेसिमिक है नहीं है अगर हैं तो माइनर हैं या मेजर हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे कैरी फॉरवर्ड की जाती है माइनर थैलेसिमिक थी जो मेरे हस्बैंड हैं उनका उनका उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था टेस्ट देन फिर ही वॉज ही वॉज कम्प्लीटली फाइन उनको थैलेसीमिया नहीं था तो इसलिए हमारी जो प्रेगनेंसी uh, थी वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई अगर हम दोनों मेजर मेजर होते हैं देन डेफिनेटली प्रेगनेंसी को अबॉट uh, कराना होता है और प्रॉबिलिटीज चेक की जाती है जो आपको आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको एक्सप्लन करेंगे अगर मुझे यह चीज़ पता थी थैलेसीमी को मैंने बताया है पी सी ओ एस का बताया था कौनसीपेशन का बताया है ये सारी चीज़ें बताई थी जैसे ही आपने अपना डिस्कशन डॉक्टर के साथ में किया आपने अपनी प्रॉब्लम्स आपने अपनी हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री सारा सब कुछ बता दिया किन किन मेडिकेशंस पर हैं डॉक्टर ने अपने आपके जो प्रस्क्रिप्शन है उसमें एनलिस्ट कर लिया देन फिर उसके बाद में वो आपको टेस्ट लिखेंगे टेस्ट में होगा आपका सी बी सी प्रोफाइल आपका एच uh, सीरम से हालांकि आपने प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट वग़ैरह किया है बट एच लेवल्स को टेस्ट करने के लिए वो दोबारा से सैंपल सैंपल लेते हैं यूरिन यूरिन सैंपल होता है आपका एच सैंपल होता है देन फिर उसके बाद में आपको रूबेला आई जी जी आई जी एम का टेस्ट होता है मेरे जो हुए थे दैट वाज रूबेला आईजीजी आईजीएम वो डेफिनेटली आपका डॉक्टर करवाएंगे आपका सीबीसी होगा शुगर लेवल्स चेक किए जाएंगे एच बी सी होता है डिटेल्ड शुगर प्रोफाइल होता है जिसमें कि पूरा आपका जो शुगर लेवल्स हैं लास्ट के टू थ्री मंथ्स के वो डिटेल्स में आ जाते हैं फास्टिंग फास्टिंग uh, में शुगर लेवल्स टेस्ट करेंगे रैंडम में शुगर लेवल्स टेस्ट करेंगे और साथ साथ में आपका एच बी इलेक्ट्रोफोरोसिस भी किया जाएगा एच बी इलेक्ट्रोफोरोसिस में वही डिटेक्ट होता है कि आप थैलेमिक हैं या नहीं है अब जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं दैट इज फॉलिक एसिड वो आपका शुरू कर देंगे कैल्शियम शुरू कर देंगे आपका एंड बाकी आपकी हिस्ट्री और सारी चीज़ों को देख के हॉमन हार्मोन्स को चेक करके आपके हार्मन इम्बेलेंसेज अगर ज़्यादा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस हैं आपकी बॉडी में तो वो आपको शायद प्रोजेस्ट्रॉन की जो टैबलेट्स हैं वो भी शुरू कर दें बट दैट डिपेंड्स कि वो डॉक्टर का कॉल है अब आता है अल्ट्रासाउंड की बात अल्ट्रासाउंड यूजुअली सिक्स टू सिक्स टू नाइन वीक्स में होता है अगर आपकी सिक्स वीक्स सिक्स टू एट वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जिसे सोनोग्राफी बोलते हैं वो आपका हो जाएगा वो आपका डॉक्टर डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि उसमें आ, हार्ट बीट भी दिख जाती है बच्चे की जो बच्चा होता है उसका प, जो हार्ट बीट है सिक्स टू नाइन वीक्स के आसपास में आने लगती है तो मुझे थोड़ा जल्दी पता चल गया था बिकॉज़ मेर, मेरी जो मेन्स्ट्रल साइकिल्स हैं जैसे सपोज सेवेंटीन डेट है तो मेरे को चार या पाँच दिन पहले पहले हो जाता है तो वेन आई स्किप्ड फोर और फाइव डेज की जो डेट uh, थी तेरह चौदह बारह तेरह तारीख में अगर होना है तो वो स्किप होके पंद्रह सोलह तारीख में जा रहा था तो मैंने तभी टेस्ट कर लिया था एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट तो मैंने काफ़ी अर्ली डिटेक्ट कर लिया था सो आई वॉज नॉट सिक्स वीक सर प्रेगनेंट ऑल्सो उस तरीके से मैं नहीं थी तो मैम ने मेरे को वेट करने के लिए बोला एंड शी आज मी कि आप सेवन्थ या एट्थ वीक में आओ तो जब मैं सेवन्थ और एट्थ वीक में सेवन्थ वीक में गई थी तब फिर उन्होंने मेरा सोनोग्राफी की थी एंड उसमें फिर आ, दिखाया कि बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है तब तक तो फिर बच्चे की हार्ट बीट आई कुड रिकोगग्नाइज एंड आई कुड फील और सिक्स टू एट वीक्स के आसपास में आपको एक्सपेक्टेड ड्यू डेट भी बता देंगे कि ये आपकी ईडीडी है तो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके आपको एस्टिमेट रफ एस्टिमेट बता देते कि ठीक है ये आपकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है सो so, आपकी जब फर्स्ट विजिट होती है डॉक्टर के पास में आपको ओवरऑल अपनी हिस्ट्री बतानी है और डॉक्टर्स आपको सर्टन टेस्ट लिख के देंगे जिससे कि आगे प्रेगनेंसी को स्मूथली प्लान किया जाए सो एज टू हैव हेल्दी बेबी और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या खाना है क्या नहीं खाना क्या चीज़ें अवॉइड करनी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो आपको डॉक्टर डेफिनेटली बताएंगे आपको डाइट डाइट चार्ट होगा वो आपको डाइट बता देंगे डाइट चार्ट बता देंगे इन केस अगर डाइट चार्ट नहीं बताते हैं तो आपको बता देंगे ये खाना है ये नहीं खाना इस तरीके की, की डाइट को फॉलो करना है वो डेफिनेटली आपको बताएंगे एंड एक हेल्दी लाइफ होना बहुत ज़रूरी है फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स ऑफ वॉक थोड़ी थोड़ी मिन एक्सरसाइज वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे तो फ्रेंड्स होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इन्फॉर्मेटिव होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो देट सी यू सुन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू